तो फाइनली जिस फीचर्स का हम लोग को काफी दिनों से इंतजार था वो फीचर्स अब लाइव हो चुका है। मीन्स यहाँ पर यूपीआई का यूज आप ऑफलाइन तरीके से भी पेमेंट करने में कर सकते हैं, यूपीआई पेमेंट आप ऑफलाइन भी हो जाएगा। ये चीजें पॉसिबल हो गई कि आपके पास इंटरनेट कनेक्शन नहीं है, आपका यूपीआई नेटवर्क काम नहीं कर रहा, उसकी टेंशन नहीं, किसी भी तरह का ट्रांजेक्शन फेल्यूर आपका नहीं होगा, आपके पास इंटरनेट कनेक्शन नहीं है, तब भी आपका यूपीआई पेमेंट यहाँ पर 100% सक्सेसफुल हो जाएगा। यहाँ पर जीएफएफ में ये चीजें पॉसिबल करके दिखाई गई थी, ग्लोबल फिनटेक फेस्ट हुआ था, उसमें बताया गया था कैसे आप यहाँ पर यूपीआई को ऑफलाइन तरीके से भी पेमेंट करने में यूज कर सकते हैं। जनरली पेमेंट मेथड काम कब आएगा, जब आपका इंटरनेट कनेक्शन नहीं है, आपके पास डेटा नहीं है, आप ऐसे जगह पे हैं जैसे कि जनरली यहाँ पर हिल स्टेशन पे लोग जाते हैं या फिर आप मेट्रो स्टेशन पे जाते हैं, वहाँ पर डेटा नहीं होता या फिर इंटरनेट कनेक्शन नहीं होता, तब भी यहाँ पर आपका यूपीआई पेमेंट सक्सेसफुली ऑफलाइन तरीके से वर्क करेगा। इस वीडियो में आपको लाइव डेमो करके दिखाने वाला हूँ सिंपली कि ये सब चीज़ें को सुनने में अच्छा लगता था, अब यहाँ पर ये चीजें आप खुद से कर पाएंगे तो आप देखेंगे कैसे ये फीचर्स काम करेगा। प्ले स्टोर से यहाँ पर भीम एप्लीकेशन यहाँ पर डाउनलोड कर लेंगे, डाउनलोड करने के बाद यहाँ पर हम लाइव डेमो करके दिखाने वाले हैं। तो मेरे पास यहाँ पर दो फोन आप देख सकते हैं, दोनों फोन यहाँ पर वन प्लस का है। तो सबसे पहले दोनों एप्लीकेशन में यहाँ पर भीम ऐप मेरा डाउनलोडेड है, उसे यहाँ पर ओपन कर लें। ओपन करने के बाद ऑफलाइन पेमेंट करने के लिए सिंपली आपको यहाँ पर पहले डेटा कनेक्शन हम बंद करके दिखाते हैं कि दोनों फोन का यहाँ पर डेटा यहाँ पर सिंपली बंद कर देंगे, दोनों फोन में डिवाइस में कोई कनेक्शन नहीं रहेगा। यहाँ पर वाईफाई बंद कर लेते हैं, यहाँ पर डेटा कनेक्शन ही बंद कर लेते हैं और फ्लाइट मोड को ऑन कर लेते हैं। ये सिंपली एक्टिवेट हो चुका है और यहाँ पर देखते हैं यूपीआई लाइट वॉलेट मेरा पहले से एक्टिवेट है, उसमें पैसे भी ऐड हैं, तो जो अमाउंट ऐड है यहाँ पर दिख रहे हैं आपको। उसके बाद यहाँ पर एनएफसी दोनों डिवाइसेस का यहाँ पर ऑन कर लेंगे, तो यहाँ पर वन प्लस का फोन है आपको मिल जाएगा ऊपर में ही एनएफसी, दोनों का एनएफसी यहाँ पर ऑन हो गया है। अब यहाँ पर जाएंगे टैप टू पे का ऑप्शन दिख रहा होगा जिससे आपको पेमेंट करना, उसमें टैप टू पे ऑन करेंगे, वहाँ पर अमाउंट फिलअप करने के लिए बोला जाएगा। तो यहाँ पर मैं 5 रुपीज़ फिल कर लेता हूँ, उसके बाद यहाँ पर जैसे ही सेंड पे यहाँ पर क्लिक कर देना है, बस ये रिसीवर एक ऑन हो जाएगा। दोनों फ़ोन को यहाँ पर पास में लाना है बैक साइड से, क्योंकि एनएफसी पीछे लगा होता है एनएफसी टैग, तो यहाँ पर ये चीज़ें होगी और यहाँ पर पेमेंट इजली लिखा जाएगा डिवाइस कनेक्टेड करके और पेमेंट कंप्लीट हो जाएगा। तो इस तरीके से सक्सेसफुल पेमेंट यहाँ पर देख सकते हैं, कर सकते हैं आप। दोनों डिवाइसेस में नोटिफिकेशन आ जाएगा, मनी रिसीव का, यहाँ पर मनी सेंड का। अब होम बटन पे दबाएंगे तो बैलेंस अभी तक अपडेट नहीं हुआ, तो आपको लग रहा होगा बैलेंस कैसे अपडेट होगा यहाँ पर। तो बैलेंस अपडेट करने के लिए जैसे ही आप यहाँ पर इंटरनेट कनेक्शन ऑन करेंगे तो इंटरनेट कनेक्शन ऑन होगा तो बैलेंस अपडेटेड अपने आप ऑटोमेटिकली यहाँ पर यूपीआई वॉलेट में हो जाएगा। जैसे कि यहाँ मैंने ऑन किया और यहाँ पर डेटा कनेक्शन ऑन कर लेते हैं, तो देखिए यहाँ बैलेंस जो 20 रुपये था अब 25 रुपये होंगे। डेटा ऑन होते ही ये सारी चीज़ें अपडेट हो जाती है, पेमेंट इंस्टेंटली यहाँ पर 2 सेकंड के अंदर ही यहाँ पर UPI ऑफलाइन पेमेंट का यूज करके हो जाएगा। तो आप लोग भी इस लाइव डेमो को खुद से भी ट्राई कर सकते हैं। आई होप कि इन्फॉर्मेशन आपको अच्छा लगा, इन्फॉर्मेशन अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। काफी इनोवेटिव फीचर्स यहाँ पे हैं। ये फीचर्स में और भी यहाँ पर देखने को मिलेगा। UPI लाइट एक सिर्फ यहाँ पर फोन टू फोन आप यूज नहीं कर सकते, यहाँ पर जितने भी QR कोड होंगे जो आपको मर्चेंट स्टोर पर दिखते हैं, जो कि फोन पे का हो या फिर यहाँ पर किसी भी UPI ऐप का QR कोड आपको दिखता है, उस पर NFC लगा हुआ आएगा। तो उसमें क्या है, सिंपली फ़ोन में आप NFC ऑन करेंगे जिस तरीके से अभी ऑन किया था, और वहाँ पर सिंपली आप QR कोड के पास लेके जाएंगे तो आपका पेमेंट 100% सक्सेसफुल वहाँ पे हो जाएगा, इसी प्रोसेस का यूज़ करें। तो अब आप इंटरनेट कनेक्शन की टेंशन नहीं है, आपका UPI लाइट एक्स वॉलेट एक्टिवेट होना चाहिए और पेमेंट यहाँ पर सक्सेसफुली कर सकते हैं। चैनल पर नहीं है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया, इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, और वीडियो को लाइक करके और लोगों के पास वीडियो को शेयर जरूर करें, ऐसे इनोवेटिव फीचर्स लोगों को भी पता लगे और वो अपना UPI लाइट एक्स का यूज़ करके पेमेंट कर सके।